संबल में भट्टा मालिक और उनके मुनीम पर फायरिंग तथा उनसे जबरन रंगदारी मांगने की सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को तमंचों समेत गिरफ्तार किया है। मामला बनियाठेड़ थाना क्षेत्र स्थित भट्टे का है, जहां मौजूद लेबर और उनकी मदद में आए कार सवार दबंगों ने इस दौरान भट्टा मालिक को बंधक भी बना लिया। पूरा विवाद भट्टे की लेबर को लेकर बताया जा रहा है, जहां एडवांस और खर्चा लेने के बावजूद लेबर भट्टे से भागना चाह रही थी, जिनकी मदद में कार सवार पहुंचे। दिनांक 24 फरवरी 2022 को थाना बनियाठेड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक भट्टे मालिक ने थाने पर यह तहरीर दी। उसमें उन्होंने 11 अभियुक्तों की नामजदगी दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भट्टे पर काम करने के लिए कुछ मजदूर ठेकेदार द्वारा मंगवाए थे, उनका पेमेंट भी कर दिया था जो कि उनके खाने पीने के लिए था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद उन मजदूरों ने भट्टे पर हंगामा करना शुरू कर दिया तथा भट्टा मालिक को यह धमकी देनी शुरू करी कि हम तुम्हारे विरुद्ध गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात एक जायलो गाड़ी वहां पर आई, उसने भट्टा मालिकों के वहां पर फायर किए गए तमंचों से। भट्टा मालिक के मुंशी को गिरफ्त में लिया गया तथा भट्टा मालिक से उगाही की मांग करी। इस घटना को भट्टा मालिकों द्वारा 22 फरवरी 2022 का बताया गया तथा थाना बनियाठेड़ पर यह तहरीर दी गई। पुलिस ने तुरंत ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तुरंत कार्रवाई इसमें चालू की गई। कार्रवाई के दौरान 25 फरवरी 2022 को 3 अभियुक्त रंजीत, सत्येंद्र और शीशपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये तीनों बदायूं के निवासी हैं। बाकी 8 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर पुलिस इस मुकदमे में सही कार्रवाई